हे प्रभु, हे 108 महाराज श्री श्री हार्दिक पांड्या जी, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? 33 नंबर की जर्सी वाले, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम क्या बुमराह से बड़े बॉलर हो जो सुसरी वाले आके पावर प्ले में पहला ओवर फेंकते हो? हाँ बताओ, सुसरी वाला इतिहास में पहली बार 277 रन कोई टीम बना रही है, वो भी तुम्हारी कप्तानी में। तुम्हारे जैसा छपरी कप्तान नहीं देखा। आज हम सुसरी वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज यही जिंदा दफना देंगे तुमको। और अगर कोई बीच में बोला कोहली छोड़ दे कोहली, आज तू बीच में मत आ कोहली, आज के दिन हमको छोड़ दे, बस इसको आज हमें रखना ही नहीं है अपनी टीम। इसको सुसरी वाले को IPL से बाहर कर देना चाहिए। बताओ, ऐसा खिलाड़ी हमने नहीं देखा। जब बात आई बॉल सेलेक्ट करने की तो सुसरी वाला खुद चला गया बॉल सेलेक्ट करने। बुमराह को कुछ समझता ही नहीं है, वो बॉलर थोड़ी ना है, वो तो ऐसे ही पानी पिलाने वाला है। अरे सुसरी वाले बुमराह को ले जाते, उससे बॉल सेलेक्ट करवाते तो खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप को बुमराह से बड़े बॉलर और धोनी से बड़े कप्तान समझते हैं खुद को। अबे अंबानी चाचा छोड़ दो यार, क्यों ही उसके पीछे पड़े हो? बेचारे का वैसे भी बहुत हालत खराब रहता है, ज्यादा दिन तो ये हॉस्पिटल में ही रहता है। अभी तुम एक दो उल्टी सीधी लात मार दोगे, फिर से 10-15 महीने के लिए बेड पे चले जाएगा। इससे पहले इसको छोड़ दो यार, और इससे सुसरी वाले से कप्तानी छीन लो। जब तुम्हारे पास रोहित जैसा तुम्हारे पास खिलाड़ी है तो तुम इसको कप्तान क्यों बनाए बैठे हो? बताओ, तुम्हारी मती मारी थी गई थी कि बुद्धि खराब हो गई थी जो तुमने इसको कप्तान बनाया? अबे सुसरी के कोहली, तुम एकदम सही कह रहे हो भैया। हमारे उस समय दिमाग में कीड़े गोबर भरा था जब हमने इसको सुसरी वाले को कप्तान बनाया। हमने सोचा गुजरात टाइटन को जिताया है तो हमको भी जिताएगा, लेकिन ये तो सुसरी वाला नया रिकॉर्ड बनवा रहा है। बताओ, 277 रन पूरे इतिहास में आज तक IPL में किसी टीम ने नहीं बनाए, लेकिन ये सुसरी वाले छपरी की कप्तानी में 277 का इसका बस चले तो ये सुसरी वाला 300 रन पिलवा देगा। अबे छोड़ दो अंबानी चाचा, आज छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी ऐसी कप्तानी नहीं करूंगा। अगली मैच में देखना, हम बहुत बढ़िया कप्तानी करेंगे और कम से कम 120 रन के अंदर पूरी टीम समेट देंगे।